बन जावे बेटा ने एडवेंचर उसको लगे लोग आप तब तक इन व्यूज का मजा लीजिए। मॉर्निंग फ्रॉम द नाको। मेरी शक्ल देख के समझ गए होंगे कि मैं अभी भी उठाऊँ। सुबह के बज रहे हैं 6। सबसे पहले मैं ही उठाऊँ क्योंकि आपको देना था इस वैली का व्यू, जो हर तरफ स्नो कैप्ड माउंटेंस हैं उनका व्यू आपको अर्ली मॉर्निंग देना था। आज हमारा प्लान है, हमें जाना है नाको से काजा की तरफ, जो अराउंड 100-110 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। और हम बीच में एक्सप्लोर करेंगे ग्यू मोनेस्ट्री, उसके बाद टाबो मोनेस्ट्री और उसके बाद जाएंगे हम काजा। ये है वो कैंप जहाँ पे रात को भगवान और धर्मचंद ने कैंपिंग करी थी। कैंपिंग ही की थी, ठीक है, सिर्फ कैंप। ये देखो कुछ हम आए हैं चाय की जुगाड़ में अर्ली मॉर्निंग। ये हमने होटल को अपनी होटल बना ली है, ये देखिए ऐसे बैठे हुए हैं जैसे खुद की होटल हो। थोड़े दिन और रहे तो होटल पे कब्जे हो जाएगा। नाइट में हम किचन में घुस के खाना बना रहे थे और अब चाय। एकदम शानदार वाली मॉर्निंग हो चुकी है, सनराइज भी हो चुका है। ये देखिए गाड़ियों पे बर्फ जम चुकी है, इतनी ठंड है, ये पूरी बर्फ है जो गाड़ियों पे जम चुकी है जी। हमारी गाड़ियाँ सारी रेडी है, हम भी निकलने के लिए रेडी है। नाश्ता आगे जाके कर लेंगे, आगे कहीं ग्यू के आसपास मिलेगा कि कुछ रास्ते में घूम मिल जाएंगे। ये हमारा होम स्टे था जहाँ पे हमने स्टे किया था। काफ़ी बहुत तेज ठंड लग रही है और एकदम सुनहरी धूप आ गई है। ये है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी। मेरे को भी जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो हम भी पूरा खा लेंगे। नाको से आज की राइड की शुरुआत हो चुकी है, तो आज की राइड शुरू करते हैं महादेव के जयकार के साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज की राइड हमारी होने वाली है काजा तक। बीच में हम रुकेंगे, टाबो मोनेस्ट्री रुकेंगे, ग्यू मोनेस्ट्री जाएंगे। बस आज की राइड शुरू हो चुकी है, नज़ारों का आनंद लीजिए। हेलो प्यारे प्यारे बच्चे बाय करते हुए जा रहे हैं। पहाड़ देखिए बर्फ के, ओह माय गॉड, द अल्टीमेट व्यू। इट्स बेटर टू बी लेट देन मिस्टर लेट। शूटिंग स्टोन जोन यहाँ नहीं रुकना है। ये है मलिंग नाला, ये वो नाला है जिसका कभी खतरनाक ही भोकाल हुआ करता था। वो सामने नाला है जहाँ से पूरा पानी आता था, और नाला नहीं ये तो नदी बन जाती थी एक टाइम पे। तो सारे राइडर इसको पार करने से बहुत घबराते थे क्योंकि एक तो पानी गिरा रहता था, पानी भरा हुआ रहता है। ये सर की ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे, ये है मलिंग नाला, यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं। अभी तो इसको काफ़ी सही कर दिया है, अब धीरे धीरे पानी आने लगा है। ये शाम होते होते बर्फ़ पिघल के इतना पानी हो जाएगा ना कि आप रात में तो इसको पार करने में बहुत ज़्यादा डरोगे। बिल्कुल भी गोप्रो बंद करने का मन नहीं हो रहा मेरा।
फास्टर विल सी डिजास्टर, वेरी वेल सेड। तो हमें फास्ट नहीं चलना है, हमें नज़ारों का मजा लेते हुए चलना है। आप नज़ारे देखिए। इतने लोग भर के कैसे जा रहे हैं भाई ट्रक में, ये सारे बीआरओ की तरफ से काम करने वाले लोग हैं। अब हुआ है रास्ता क्लियर, ये देखिए रास्ता बिल्कुल नेरो हो रखा था, इसलिए लग गया हमें टाइम। अब थोड़ा डाउन में आए हैं तो वेजिटेशन देखने को मिली है, ये सारे एप्पल ट्रीज हैं, फूल आ रहे हैं इसमें, अभी एप्पल आए नहीं है। उधर भी जा रहा था ना एक रास्ता, पहले आया हुआ है क्या? तो फिर नदी का बहाव देखो, गोप्रो में उतना पता नहीं चल रहा होगा बट बहुत ही अपने अलबेले अंदाज से बह रही है नदी। अब ये व्यूज देखिए आप, ये रोड देखिए, एक तो मैंने बात देखी है जितनी खूबसूरत ये पहाड़ दिन में नजर आते हैं ना, अभी सुबह में नजर आ रहे हैं, जितने अच्छे लग रहे हैं उतने ही ज्यादा डरावने आपको रात में दिखते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है, अब जा रहे हैं कैफेटेरिया पे क्योंकि भूख बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है तो कुछ तो खाया जाए। ओह ये ITBP का एक कैफेटेरिया है, चलो यहीं खा लिया जाए, क्यों देखते हैं क्या मिल जाएगा यहाँ पे। नाश्ता तो नहीं मिला बट जो हमारी सबसे फेवरेट है चाय, वो ज़रूर मिल गई। यहाँ देखिए यहाँ फिर से नज़ारे बदल चुके हैं, अगर ये रोड में मेरी मम्मी को बता दूं तो भाई साहब, मेरी मम्मी कभी आने नहीं दे मेरे को पहाड़ों में। हाँ हाँ था तो घूमता रहो, था तो मजा करता रहो, थाने चिंता थोड़ी है कि घर वाला कतरी चिंता करे, घर वाला ने कहीं लागे ये वो, अरे मम्मी ने कौन समझावे, बेटा ने एडवेंचर हो चस्को लगो लगो है। अबे कौन के मम्मी ने कि मम्मी जीव तो अटे छेंटे लोगों माना। तो ये आ गया है ग्यू मोनेस्ट्री के लिए प्रवेश द्वार, 9 किलोमीटर है यहाँ से, असंभव है ग्यू चौकी दूरी 9 किलोमीटर और भाई यो कही है वोटी वे मंगरा कम है जोटी और मंगरा बताई दीदा ये। अब हम आ गए हैं नदी के किनारे पे,
मस्ती करके हम वापस निकल चुके हैं ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ। फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ ग्यू मोनेस्ट्री, वी हैव रीच्ड टू ग्यू मोनेस्ट्री। ये यहाँ पे एक स्तूपा बना हुआ है, इसको स्तूपा बोलते हैं। वाओ, ये फ्लैग्स अल्टीमेट लगते हैं। यहाँ का जो व्यू आएगा ना वो बहुत ऑसम होगा। रंग बिरंगी मोनेस्ट्री के पीछे से जो वाइट वाइट एकदम बादल दिखेंगे ना, ओहो हो, गजब व्यू आएगा, गजब। ये है ग्यू मोनेस्ट्री। व्यूज देखिए आप, यहाँ से अल्टीमेट लेवल के व्यूज मिलेंगे आपको। पूरी वैली का नज़ारा, अभी भी काम चल रहा है बट ये बनी हुई कितनी शानदार है ना, ऑसम। यहाँ पे वो मम्मी रखी हुई है, हम देखेंगे। ये है इसका ऊपर से व्यू, एकदम नेक्स्ट लेवल। सर ऊपर आ जाओ, ये थी ग्यू मोनेस्ट्री। वी आर गोइंग बैक। जी हमारे सारे राइडर्स रेडी हैं। हेलो झूले। ये है छोटा सा ग्यू विलेज। बच्चे बाय कर रहे हैं। ये हम वापस मिल चुके हैं काजा वाले रोड पे। यहाँ से काजा जाना है हमें, जो अराउंड 70 किलोमीटर के आसपास है। आराम से पहुंच जाएंगे मजे करते हुए। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है किसी रेस्टोरेंट पे, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा। Chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be. Wow, auntie ne hame apple provide karwa diye, thode se ye to gile gile hain. Are theek hai na, ye hai yahan ke local apple. ये है आंटी का कैफे। कैसे लगे एप्पल? थैंक यू सो मच एप्पल के लिए। मस्त
थैंक यू सो मच दीदी। अब हम जाके रुकेंगे ताबो मोनेस्ट्री देखेंगे, उसके बाद जाएंगे हम काजा। लगभग एक बज चुकी है, काजा पहुंचना हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य आज काजा पहुंचना है। सावधानी से चलिए। अब हमें दिखा है नदी से नीचे बिल्कुल और भी पास में जाने का रास्ता। उधर से ही उतरना था यार। ओहो हो, आज ही ऑफ रोडिंग कर ली हमने तो। अरे भाई साहब, उतार तो लिए, वापस चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी वो सोम जी रहे। ओ इधर आ जाओ, इधर अपने को उतारना है शॉर्टकट से, शॉर्टकट से नहीं, अपने को जाना है लॉन्ग कट ताकि आराम से उतर जाए। ओ भाई 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 भाई, अरे बहुत नीचे है ये तो। ये हम आए थे नदी देखने, पर हमें मिली है नदी उतनी दूर। क्या है ये? स्पीति रिवर। ये क्या बोल रहा था? ये है इस पूरी वैली का व्यू। वाह, नीचे से तो नदी देख ली, अब वापस महाभारत है सबसे बड़ी ऊपर चढ़ाने की। ओ सोम सर, मिट्टी उड़ा रहे हो आप। हमें जाना है लॉन्ग रूट से, शॉर्ट रूट से नहीं जाएंगे। ओ भाई 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 भाई, वाह मेरे अरबी घोड़े, शाबाश, छा गए गुरु। अरे चलो चलो चलो, पता नहीं कौन से रास्ते से ले जा रहा हूं समझे। अरे अरे अरे, गई 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 गई। रुको रुको, मैं ऊपर खड़ी करके आ रहा हूं। अभी एडवेंचर भारी पड़ जाता। सामने का व्यूज देखिए आप। ओहो हो, अल्टीमेट व्यू है यार। ये देखिए सारे एप्पल फार्म्स हैं, बट अभी यहाँ सीजन आया नहीं है शायद। वो स्टैचू बनी हुई है एक, ये है एक ब्रिज जो इन दोनों वैलीज को कनेक्ट कर रहा है।
तगड़ा ब्रिज बनाते हैं यार यहाँ पे। कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? पंचर हुआ? बाइक की गाड़ी पंचर हो गई है। उनके साथ वालों की हेल्प कर तो नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ट्यूबलेस वाला ना तो पंक्चर रिपेयर किट है और दूसरा उसमें जो कट लगा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा लगा हुआ था, तो वो पंक्चर रिपेयर किट से ठीक होने वाला नहीं है। या तो टायर चेंज होगा या फिर ट्यूब डाल के उसको एक बार तो ले जाना पड़ेगा ऐसे करके। वेलकम टू टाबो, वी हैव रीच्ड टू टाबो। टाबो पहुंच गए हम, ठीक है। हिमाचल में स्पीति वैली में ये है टाबो विलेज। अब हमें जाना है टाबो मोनेस्ट्री। ये है टाबो मोनेस्ट्री, टाबो मोनेस्ट्री का गेट। वी आर एंटरिंग इन टाबो मोनेस्ट्री। We are at Tabo Monastery. ये थी टाबो मोनेस्ट्री, हमने देख ली, फोटो भी खिंचवा ली है। थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है, सहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं वापस बाहर, पियेंगे चाय, थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, फिर वापस निकलेंगे काजा के लिए। ये गर्मी। टाबो देख लिया हमने, मोनेस्ट्री देख ली, ये पूरा टाबो विलेज है। हमारा प्लान रुकने का काजा में है तो हम काजा ही जाएंगे। बट हमें लगी है चाय की तलब, हम पीना चाहते हैं चाय। इधर ये आंटी का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम रुकेंगे। ये रेस्टोरेंट है एकदम मस्त प्यारा सा। ये है हमारे भगवान जी, अपनी सीट ग्रहण कर चुके हैं। काजा के आसपास चार पांच जगह है वो घूम के आएंगे। थोड़ी एनर्जी आ गई, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स काजा। ये पहाड़ देखिए भाई साहब, बिल्कुल मिट्टी के बने हुए हैं सिर्फ। ये अभी खसक जाए तो मैं अभी नीचे आ जाऊं। बोले ये यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखिए, कितनी शानदार स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, और ये सब बनी हुई है हवा से। नीचे वैली से एकदम तेज हवा आती है ऊपर की तरफ और ये सारी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। वाव, ऑसम, तगड़ी है ये तो। अब एकदम बिल्कुल सीधा ढलान है, यहाँ से उतरना भी एक अपने आप में गजब का टास्क है, और सामने से और भी आ रहा हो तो और भी फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि एक साइड ये पूरी वैली है। यहाँ पे बहुत तेज पत्थर गिर रहे हैं, शूटिंग स्टोन एरिया है ये। अब शिट, एक जोर का पत्थर आके इंजन के लग गया यार, ठीक रहा मेरा पैर बीच में नहीं आया, कहीं रुक के देखना तो पड़ेगा। उफ, उफ, उफ।
ये लैंडस्केप आपको जितना खूबसूरत अभी लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा रात में डराते हैं। और वो देखिए कितना शानदार पुल बना हुआ है, वो कौन सी वैली में जाता है। यहाँ पे भी दो रास्ते जाते हैं, सीधा जाएगा काजा, इधर जाएगा धनकर। ओके धनकर मोनेस्ट्री, धनकर हम जा नहीं रहे हैं, धनकर भी जा सकते थे। ये जगह देखिए आप, ये यहाँ से कोई प्रोजेक्ट का पानी है और इधर से आ रही है स्पीति रिवर, और ये है स्पीति रिवर और ये है छोटा सा ब्रिज। वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये अपने वाले भी मानेंगे तो नहीं। लोग गए हुए हों और हम नहीं जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी आएंगे वैसा। ये लो, ये आ गए हम भी। थार वाले भैया जा सकते हैं तो हिमालयन वाले तो जा ही सकते हैं। ये लो जी आ गए हम भी एथे। ओ, 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 ओ। दोनों ने अपने अपने प्लॉट काट लिए हैं। सोम जी आपका तो अभी भी घर बना है, यहाँ पे कब्जा कैसे किया है यार? I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Woo! We have reached to Kaza, first Bikers Cafe. Kya baat hai? ये है ग्रीस मोटो क्लब हॉस्टल एंड रूम्स बाइकर्स कैफे, और ये है रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर। हम यहाँ पे ही रूम देख रहे हैं, व्यू भी काफ़ी अच्छा है, पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। ये फिर से आ चुकी है सोम जी की बाइक में दिक्कत। सोम जी आप आराम से चलाया करो, व्हील का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है क्या? एक्चुअली कल वो चैन डलवाई थी ना गरारी, तो गरारी की डालते टाइम इसका अलाइनमेंट चेक नहीं किया। काजा में एंटर होने के बाद अब हम जा रहे हैं SDM ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें रूम खाली है। हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो देखते हैं, अगर हमें रूम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी बाद में बुक तो करवाना ही है, कोई ना कोई होम स्टे देखना ही पड़ेगा। बहुत कम थकान हो रही है, बाल भी बहुत मस्त हो रहे हैं, दाढ़ी भी बहुत मस्त हो रही है, नहाना तो बिल्कुल है नहीं, नहाने का कोई प्लान नहीं है, जस्ट जोकिंग। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, रूम लेते ही नहाना ही पड़ेगा। हमारा जुगाड़ हो चुका है गवर्नमेंट सर्किट हाउस पे, दो रूम दिए हैं एक दिन के लिए,
पहले बुकिंग करवाना होता है, बट हमने पहले बुकिंग नहीं करवाया, तो उन्होंने बोला कि हम एक दिन के लिए ही दे पाएंगे। तो ठीक है भाई, एक दिन के लिए ले लेते हैं, आगे देखेंगे। अब हम आए हैं पेट्रोल भरवाने। हम निकले हैं काजा को पैदल ही एक्सप्लोर करने, पर जहाँ हमारा रूम है वहाँ से काजा बहुत ज़्यादा दूर है। ये सनसेट हो रहा है काफ़ी शानदार। और मेरी हालत अभी से ख़राब होने लग गई है। थोड़ा हाइट पे है तो सांस में दिक्कत तो होती ही है। ये सारे होम स्टेज बने हुए हैं, ये देखिए। ये पूरा काजा का मार्केट है, यहाँ से कुछ जरूरी चीजें ले लेंगे हम। जहाँ से हमें आ रही थी गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू, यहाँ बन रही है गर्मा गर्म जलेबी। ये आ चुकी है गर्मा गर्म जलेबी। ये है वो गेस्ट हाउस जहाँ पे हम नाइट रुके हुए हैं। बिल्कुल अंधेरा है, रात के बज चुके हैं 9 और टेम्परेचर है -5 degrees, और सुबह तक ये -10 degrees तक जा सकता है क्योंकि काजा में हर तरफ स्नो फॉल हो रखा है पहाड़ों में, तो जा सकता है। आज का टूर कुछ थकाने वाला था, बट अब रेस्ट कर लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट बनिए हमारी जर्नी, द जर्नी ऑफ लाइफ टाइम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।